सफर खूबसूरत है मंजिल से भी ज्यादा। और आज का हमारा सफर है एक ऐसी डेस्टिनेशन का जो विंटर शुरू होते ही बर्फ की चादर ओढ़ लेती है, और इस विंटर्स में आपको भी इस डेस्टिनेशन को विजिट करना चाहिए। बर्फ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़ों के नजारों के अलावा सोलांग वैली को हिमाचल प्रदेश की एडवेंचर कैपिटल भी माना जाता है। तो आज हम चलेंगे मनाली से सोलांग वैली की जर्नी में, और साथ ही इस वीडियो में हम सोलांग वैली को एक्सप्लोर भी करेंगे। जब आप अपने मनाली ट्रिप पे आए तो सोलांग वैली विजिट किए बिना आपका मनाली का ट्रिप अधूरा रह सकता है, और मनाली से सोलांग वैली की छोटी सी जर्नी आप आधे घंटे में इजीली पूरी कर सकते हैं। जब भी आप विंटर मंथ्स दिसंबर, जनवरी या फरवरी में सोलांग वैली आएं, तो ऐसे सेम टू सेम नज़ारे आपको सोलांग वैली में हमेशा देखने को मिलेंगे। बहुत सारी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स लेने के लिए और काफी सारे स्नो पॉइंट्स पे मैगी का मजा लेने के लिए सोलांग वैली परफेक्ट प्लेस है। सोलांग वैली के लश ग्रीन लॉन्स कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े बड़े स्नो लॉन्स और स्की स्लोप्स में जैसे ही विंटर मंथ्स की शुरुआत होती है। सोलांग वैली में आपको बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, जॉर्बिंग, हॉर्स राइडिंग, एटीवी बाइक राइड्स, और भी बहुत से एडवेंचर स्पोर्ट्स सोलांग वैली में अवेलेबल हैं। अगर आप सोलांग वैली में कोई प्रोफेशनल एडवेंचर कोर्स करना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सोलांग वैली में काफ़ी सारे पेड कोर्सेज करवाता है, जिसमें आप खुद को एनरोल करवा के एक प्रोफेशनल एडवेंचर सीख सकते हैं। आपका फेवरेट एडवेंचर स्पोर्ट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप भी ज़रूर बताएं। सोलांग वैली ही गेटवे है हिमाचल प्रदेश की कोल्ड डेजर्ट रीजन लाहौल का। अगर आप वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल जो कि 10,000 फीट की एलिवेशन से ज्यादा पर बनी हो, जिसका नाम रोहतांग टनल है, उसे विजिट करना चाहते हैं तो सोलांग वैली से आप वहां पर इजीली पहुंच सकते हैं, और वहां पहुंचने के लिए आपको आधा घंटा लगेगा।